वैसे तो आप अपने ट्रैवल पैकेज को सीधा होटल से भी खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी ट्रैवल एजेंट से बुकिंग करते हैं तो आप देते हैं कमीशन और सर्विस टैक्स भी, जो पैकेज को थोड़ा और महंगा बना देती है। जब आप किसी ट्रैवल एजेंट से लेते हैं पैकेज तो आप भरते हैं होटल बुकिंग पर 1.23% का सर्विस टैक्स। अगर करें साइट सीइंग या लें ट्रांसपोर्ट तो उस पर भरते हैं 2.58% का सर्विस टैक्स। अभी बाकी है ट्रैवल एजेंट की कमीशन 10% की, और कहीं कहीं तो 300 से 500 रुपए का सर्विस चार्ज भी। अगर आप हवाई टिकट को सीधा ऑनलाइन बुक करें तो आप बचाते हैं 1200 रुपए की ट्रांजैक्शन फीस, जो एजेंट से हवाई टिकट बुक करने पर आपको भरनी पड़ती है। तो ये सब बढ़ाते हैं आपके ट्रैवल पैकेज की कीमत। मेन इशू है सर्विस टैक्स का। अगर सर्विस टैक्स अबॉलिश हो जाए एटलीस्ट हमें कुछ राहत मिलेगी 25% के ऊपर, जो हमारा पैकेज कॉस्ट है उसके 25% के ऊपर। पहले हमारे 40% पे लगता था, वो तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था देना। पर दुर्भाग्य की बात है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो मिनिस्ट्री से रेकोगनाइज टूर ऑपरेटर है वो दे रहे हैं, जो अनरेकोगनाइज है जो हर साल अपनी कंपनी का नाम बदल देते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो कोई टैक्स नहीं देते। पहले मंदी, फिर आतंकवादी हमला और अब स्वाइन फ्लू, सबने डाला पर्यटन पर बुरा असर। क्या सरकार कम करेगी कर, क्या सस्ती होगी हमारी छुट्टियां?